नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे एचएस वालदवा यूट्यूब चैनल पर। मैं हरिओम शर्मा आज आपको राधा अष्टमी के बारे में जानकारी दे रहा हूँ, यानी राधा अष्टमी का व्रत और कथा। इस कथा को सुनने से हर मनोकामना पूरी हो जाती है और राधा अष्टमी का व्रत करने से सारी इच्छाएं पूरी होती हैं। जिस पर राधा रानी की कृपा हो जाए, भला उसका कौन सा कार्य अधूरा रह सकता है। मुनि ने ब्रंद बंधते त्रिलोक शोक हारणी, प्रसन्न पक पंकजे निकुंज भूविलासनी, ब्रजन भानुनंदनी विजन सुनु संगते, कदा कर शशि माम कृपा कटाक्ष वाजना। यानी मुनि ने ब्रंद बंधते, मुनि ने ब्रंद यानी मुनि सभी ऋषि मुनि जिनके चरणों की वंदना करते हैं, वह राधा रानी हमारी सभी मनोकामनाएं पूरी करें, हम उन राधा रानी की आराधना करते हैं। राधा रानी का हृदय बड़ा ही कोमल है। अगर आपको भगवान कृष्ण की भक्ति चाहिए, अगर आपको भगवान कृष्ण को प्रसन्न करना है, तो पहले आपको राधा रानी जी को मनाना होगा। और राधा रानी जी थोड़ी सी भक्ति से प्रसन्न हो जाती हैं। बस प्रेम से आप जो है उनका स्मरण करें। राधा अष्टमी का व्रत बहुत ही अच्छा होता है। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को राधा अष्टमी का व्रत मनाया जाता है। जन्माष्टमी से ठीक 15 दिन बाद राधा अष्टमी का त्योहार आता है। राधा अष्टमी का जो पर्व है, यह राधा जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। यानी राधा जी का जो प्रगट हुआ था, वह तपोभूमि से हुआ था। ब्रजवान नंदिनी है और कीर्ति इनकी माता है। कीर्ति जी ने गर्भ धारण किया था, लेकिन राधा जी ने गर्भ से कभी भी जो है जन्म नहीं लिया। यानी कोई भी देवी देवता जो हमारे होते हैं, भगवान अवतार लेते हैं, तो वो गर्भ से नहीं लेते। गर्भ सिर्फ दिखाने के लिए योग माया के द्वारा वायु के योग से गर्भ दिखता है कि गर्भ धारण किया, लेकिन भगवान का प्राकट्य होता है। यानी भगवान प्रकट होते और फिर मई की मई बालक रूप में अवतरित हो जाते हैं। उसी प्रकार से राधा रानी जी जो है, राधा रानी जी साक्षात रूप में प्रकट हुई थी और फिर बालक रूप में कीर्ति जी के बगल में शयन किया, तब राधा अष्टमी का त्योहार उसी दिन से मनाया जाता है। उसी प्रकार से भगवान कृष्ण ने अवतार लिया था, पहले माता देवकी को चतुर्भुज रूप दिखाया, उसके बाद में बालक का रूप धारण किया। राधा अष्टमी की पूजा किए बिना जन्माष्टमी का फल नहीं मिलता। राधा जी की आराधना किए बिना भगवान कृष्ण प्रसन्न नहीं होते। तो राधा जी की आप पूजा करें। इसमें मध्यम काल में यानी दोपहर के काल में राधा जी की पूजा की जाती है। एक चौकी पर लाल वस्त्र बिछाएं, वहां पर राधा रानी जी को स्थापित करें, भगवान कृष्ण की मूर्ति स्थापित करें। पहले गणेश जी का आह्वान करें, ओम गंगणपते नमः मंत्र का जाप करें। उसके बाद में आप अपने आप ही श्री राधा कृष्णाय नमः कहकर के पूजा करें। श्री राधा समर्प्यामी जो भी आप चढ़ाते जाएं, समर्प्यामी बोलते जाएं, आप अपने हिसाब साधा रूप से भी पूजा करें। पंचामृत से राधा रानी जी को स्नान कराएं, सुंदर वस्त्र पहनाएं और उनके पसंद के जो है व्यंजन बनाएं। राधा रानी जी को 56 प्रकार के भोगों का व्यंजनों का भोग लगता है, लेकिन आप जो आपके बस की हो मिष्ठान जो बना करके राधा रानी जी को भोग अर्पण करें। इस दिन एक समय भोजन किया जाता है, पूरे दिन व्रत रखा जाता है और कथा सुनी जाती है। बहुत समय पहले जब भगवान ने द्वापर युग में अवतार लिया था, उससे पहले की कथा है। ब्रह्मवर्त पुराण के हिसाब से राधा रानी जी कहीं बाहर गई थी गोलोक से, तो भगवान कृष्ण बिरजा जी के साथ में विहार कर रहे थे, तभी राधा रानी जी वहां पर आ गई। राधा रानी जी ने, वैसे कई कथाएं आती हैं, इसमें से एक कथा मैं आपको सुना रहा हूं। राधा रानी जी को बड़ा क्रोध आ गया। राम ब्रजा के साथ में भगवान श्री कृष्ण को देख करके राधा रानी जी यकायक क्रोधित हो गई, क्योंकि ये भगवान कृष्ण की लीला थी। भगवान कृष्ण को पता था कि द्वापर युग में इतने भयंकर राक्षस हो गए, उनका उद्धार करना किसी के बस की नहीं। यानी धर्म की पुनः स्थापना बहुत ही जरूरी है और ये भगवान कृष्ण ही कर सकते थे पूर्ण कला अवतार में। सभी देवता उनके पास गए थे, उनसे आराधना की थी, तो भगवान ने ये लीला रची थी। तो राधा रानी जी ने क्रोधित होकर के ब्रजा जी को नदी होने का श्राप दे दिया। ब्रजा जी
दुखित होकर के वहीं पर नदी बन करके बह गई, प्रवाहित हो गई। वहां पर जो भगवान कृष्ण के भक्त सुदामा वो देख रहे थे, उनको बड़ा क्रोध आ गया और उन्होंने राधा रानी जी पर क्रोध किया। इससे राधा रानी जी और क्रोधित हो गई और उन्होंने राधा रानी ने सुदामा को राग दानव होने का वरदान श्राप दे दिया कि तुम दानव की तरह हुंकार भर रहे हो, दानव की तरह क्रोध कर रहे हो, मैं तुम्हें श्राप देती हूँ, तुम मृत्युलोक में जाके दानव हो जाओ। तो वही सुदामा शंखचूड़ नामक दैत्य हुआ था जो भगवान शिव ने उसका वध किया था, भगवान कृष्ण के भक्त थे। इधर जब राधा रानी जी ने श्राप दिया तो सुदामा को भी क्रोध आ गया और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से 100 वर्षों तक वियोग सहने का और मृत्युलोक में जन्म मनुष्य रूप में जन्म लेने का श्राप दे दिया। तब राधा रानी जी ब्रजवान के यहां पर उन्होंने जो अवतार लिया था और भगवान श्री कृष्ण वसुदेव जी के यहां पर अवतार लिया और नंद बाबा के यहां पर रही थी। तो जो राधा रानी जी का जो रूप है बड़ा ही सुंदर रूप है, उनकी आराधना करनी चाहिए, हमारी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और इस कथा को सुनना चाहिए। राधा रानी जी 100 वर्ष तक भगवान कृष्ण से अलग रही थी दिखाने के लिए, वैसे दो देही एक प्राण है, वो कभी ना राधा कृष्ण से अलग हो सकती है ना कृष्ण जी राधा से अलग है। तो एक धरती का उद्धार करने, धर्म की स्थापना के लिए भगवान कृष्ण ने ये लीला रचाई थी और राधा रानी जी को प्रसन्न करने से हर मनोकामना पूरी हो जाए, चाहे संतान की प्राप्ति हो या धन की हो या कोई भी अड़चन हो, घर में सुख समृद्धि बनी रहती है, घर में सुख शांति बनी रहती है, हर प्रकार के लाभ प्राप्त होते हैं और इंसान का जीवन जो है सुख पूर्वक व्यतीत होता है। जिसके ऊपर राधा रानी जी की कृपा हो जाए उसके हर कार्य जो है संपन्न हो जाए और हर मनोकामना पूरी होती है, क्योंकि राधा रानी जी की कृपा इंसान के ऊपर बहुत ही जरूरी है। अगर राधा रानी जी की कृपा हो गई तो जीवन में आपको किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और हर मनोकामना आपकी पूरी होगी। तो मुझे उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी, तो आप इस वीडियो को शेयर करें जिससे सबको पता चल सके। जय श्री राधा।